हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माइक्राफ्ट। तो दोस्तों, यहां से आप सभी देख सकते हो एक बार फिर से हाजिर मैं आप सभी के सामने एक वीडियो लेके, और आज का वीडियो कमाल का होने वाला है। तो आप सभी को कुछ भी नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कमाल का आप सभी के लिए एक मोड लेके आ गया हूं मैं। आप सभी को डेफिनेटली काफी ज्यादा पसंद आएगा ये वाला मोड। अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो सबको समझ में आ जाएगा ये वाला किस तरह से यूज करते हैं एंड किस तरह से इसको प्ले करते हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देख सकते हो मैं हूँ एक रैंडम वर्ल्ड में। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा कहीं पे भी तो लाइक कर देना इसको एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो यार, इस वाले चैनल पे मैं मोड्स से रिलेटेड चीज़ें डालता हूँ, मतलब मोड्स, एडोन, मैप्स, फार्म से रिलेटेड चीज़ें मैं वीडियोज बनाता हूँ। अगर आप इन सब के बारे में इंटरेस्ट रखते हो तो जानते हो आप सभी को क्या करना है। तो आज भी मैं आप सभी के लिए एक ऐसा मोड लेके आ गया हूँ जो एक चैलेंज है आप सभी के लिए। ये मेरी तरफ से चैलेंज नहीं है, अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, आपको पसंद है हार्डकोर माइनक्राफ्ट, हार्डकोर तो क्या बोलो, हार्ड माइनक्राफ्ट आप सभी को पसंद है, तो ये डेफिनेटली आपके लिए ये वाला मोड। इसमें इस वाले मोड में क्या होगा, इस वाले मोड में अगर एनिमल आप सभी जानते हो एनिमल क्या होता है, इस वाले अगर आप मोड का आप यूज़ करोगे तो हर 60 सेकंड में एनिमल गिरेंगे ऊपर से। आपको 60 सेकंड में कुछ ना कुछ करना है एंड एनिमल से बचना है। कितना अमेजिंग लेवल का मोड पैक है यार। समझ में, मतलब एडोन मोड, मोड पैक नहीं, मोड है, हाँ एडोन है। समझ गया आप सभी मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ गए होंगे यार, आप सभी समझदार हूँ। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ होम स्क्रीन पर ताकि आप सभी को ये इसको सेटअप किस तरह करना है एंड यूज किस तरह करते हैं वो सब सिखा सको। तो चलते हैं फटाक से होम स्क्रीन पर। तो गाइस, देख सकते हो मैं आ गया हूँ फिर से माइनक्राफ्ट के अंदर, लेकिन मैं हूँ अभी होम स्क्रीन पर। मेरा वर्जन आप सभी चेक कर सकते हो राइट साइड में नीचे की तरफ। आप सभी कुछ भी नहीं करना, प्ले बटन पे क्लिक करना है और जिस वर्ल्ड में आप इसको अप्लाई करना चाहते हो उस वर्ल्ड के सेटिंग के अंदर चले जाना है पेंसिल के निशान पे क्लिक करके। अगर आप सभी को नहीं पता जो MC पैक होता है एंड जिप फाइल होती है उसको इंपोर्ट किस तरह से करते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर, तो यार मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आपको सर्च करना है जिप फाइल बाय माइनक्राफ्ट, आपको एक शानदार लेवल का वीडियो मिलेगा, उसको देखिए आप सभी को सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, इसका आपको स्क्रॉल करना एंड नीचे आकर आप सभी को इन सबको ऑन करना है। ऐसे जैसे हॉलीडे क्रिएटर फीचर्स, क्रिएशन ऑफ कस्टम बायोम्स, एडिशनल मोडिंग कैपेबिलिटीज, अपकमिंग क्रिएटर फीचर्स एंड इनेबल कैम टेस्ट फ्रेमवर्क, इन सबको आपको ऑन करना है एंड आपको ना एडोन्स में, ओके आपको जाना है बिहेवियर पैक में एंड यहाँ से आप सबको जाना है माई पैक्स में, और आपको इसको ऑन करना है माइनक्राफ्ट बट एनुअल फॉर एवरी 60 सेकेंड। यहाँ से आप सबको ऑन करना एंड ये एक्टिव पैक्स में चला जाएगा फिर, यहाँ तो ये नहीं है। उसके बाद आप सभी को प्ले बटन पे क्लिक करना है, कुछ भी नहीं करना। अब आपका जैसे वर्ल्ड जनरेट होगा उसके बाद आप सभी को क्या करना है मैं बताता हूँ। तो गाइस, मैं आ गया हूँ माइनक्राफ्ट के अंदर। अब मैं आप सभी को बताता हूँ आप सभी को करना क्या है। आप सभी को ऐसा सेटिंग चैट ऑन करनी है। अब यहाँ से देख सकते हो आपको एक कमांड टाइप करना, आपको लिखना है स्लैश, इस तरह से आपको लिखना है फंक्शन, ऐसे फंक्शन है आपको स्पेस देना एंड लिखना है AV। ओके, इस तरह से देख सकते हो, यहाँ से वहाँ से ऊपर से लिखा भी आप सभी देख सकते हो, वहाँ पर AV हेल्प लिखना है आप सभी को, हेल्प इस तरह से एंड आप सभी क्लिक कर देना। ओके, आप सभी को वैसे चीट्स में ऑन करनी होती है तो आप सभी को चीट ऑन करनी पड़ेगी सबसे पहले। जैसे आप इसको इसमें करोगे तो आपकी चीट ऑन हो जाएगी, वैसे आप यहाँ जाके कर सकते हो एंड आप सभी उसको रखना है सर्वाइवल में ही, नहीं तो आप सभी को मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, हो गई मेरी ऑन। आप चलो आप सभी ने ये भी देख लिया कि आप सभी को ऑन करना है। यहाँ से आप सभी को लिखना है फंक्शन AV हेल्प, इस तरह से एंड आपको क्लिक कर देना है यार, ये देख सकते हो। इसके बाद आपसे भी ये सब मिलेगा एंड आप यहाँ से पढ़ सकते हो इसको। तीन मोड आप सभी को मिलेंगे इसमें, एक है नॉर्मल मोड, फंक्शन AV नॉर्मल मोड आप सभी को टाइप करना है, एनिमल्स फुल FLs एवरी 60 सेकेंड्स। ओके, इसके अलावा रैंडम हार्ड मोड है, फंक्शन AV हार्ड मोड इस तरह लिखना है, एनिमल फुल एट ए रैंडम टाइम विथ नो वार्निंग्स। ओके, इम्पॉसिबल मोड है, फंक्शन AV इम्पॉसिबल मोड, वार्निंग दिस मोड इज वेरी लैगी, इट्स रनिंग बट देर आर एनिमल्स इंस्टेड। ओके, इसके अलावा ट्रॉल मोड है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मोड आप सभी देख सकते हैं यहाँ से, टगल क्लीन मोड, इसके अलावा स्पेक्टर मोड। ओके, यहाँ से रीसेट करने के लिए आपको फंक्शन AV रीसेट लिखना है, रीसेट एवरीथिंग टू डिफॉल्ट। समझ गए आप सभी क्या करना है। अब आप सभी करना है इसको स्टार्ट, हम करेंगे नॉर्मल मोड में स्टार्ट। तो आपको नॉर्मल मोड में स्टार्ट करने के लिए लिखना है स्लैश फंक्शन, ओके स्लैश फंक्शन एंड आप सभी को लिखना है AV नॉर्मल, ओके नॉर्मल नॉर्मल इस तरह से नॉर्मल लिखना है एंड अब AV लिखना है, AV नॉर्मल, उसको लिखना है मोड, इस तरह से मोड लिखना है।
तो ये स्टार्ट हो गया, हम अभी कर रहे हैं नॉर्मल मोड से। तो यहाँ पे देख सकते हो टाइमर मेरा आ चुका है, सेकेंड्स आ रही है, द एनविल विल फॉल इन 50 seconds। ओके, तो बचना इससे थोड़ा मुश्किल होगा आप सभी के लिए। तो ये जैसे ही गिरेंगे मैं पानी के अंदर कूद जाऊंगा, ये मेरे जस्ट ऊपर गिरेंगे, आप ट्री के नीचे जाके भी अपनी जान बचा सकते हो। मान लो आप यहाँ पे कुछ वर्क कर रहे हो, आप बचा टाइम तो कम ही बचा है, अब क्या करूँ मैं इतने से टाइम में, तो आप सभी कुछ भी नहीं करना, आप सभी को ट्री के नीचे चले जाना। आप देखो जब से मैं दिखाता हूँ आप सभी को, वैसे मैं एक बार मर के भी दिखाने वाला हूँ आप सभी को, अगर वो गिरेंगे तो एनिमल गिरेगा तो आप सभी जानते हो क्या हो सकता है आपके साथ, आप मर जाओगे, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि ओनली एक एनिमल आपके ऊपर गिरेगा भाई, बहुत सारे एनिमल गिरने वाले हैं, अभी देखना आप सभी। तो इसको एक्टिवेट किस तरह से करते हैं मोड को आप सभी को पता लग गया होगा। एंड 8 7 6 5 4 3 2 1, ये देख सकते हो भाई। भाई मैंने ट्री के नीचे जाके अपनी जान बचा ली, नहीं तो मेरे साथ आप सभी जानते ही हो क्या होता, फिर से टाइमर आ गया। तो जब तक ये टाइमर एंड होता है हम बात कर लेते हैं इस मोड के बारे में। तो यार इस मोड को किसने बनाया ये सब अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे दिए हैं, एक तो लिंक है क्रेडिट लिंक, क्रेडिट लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो शेडन को किसने बनाया है, एंड डाउनलोड लिंक मैंने एक डाउनलोड लिंक भी दिया, डाउनलोड लिंक पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ी दिक्कत आ सकती है डाउनलोड करने में, मैं आप सभी को बताऊंगा किस तरह से इसको डाउनलोड करते हैं। वैसे ये टाइमर एंड होने वाला, सबसे पहले तो मैं आप सभी को मर के दिखा देता हूँ, मतलब अगर एनिमल आपके ऊपर गिरता है तो क्या होगा आप सभी के साथ। ओनली 20 सेकंड लेफ्ट, ओके, तो टाइमर जाएगा, मैं फिर ये बताऊंगा इसको पॉइंट देंगे हम, एंड डाउनलोड किस तरह से करना है वो आपसे बताऊंगा मैं। तो यहाँ से हो गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड गो। ये भाई देखा क्या हुआ मेरे साथ, एंड चारों तरफ एनिमल एनिमल हो गए। तो फिर से स्टार्ट हो जाता है, इस तरह से आप सभी देख ही सकते हो यार। ओके, तो बात करते हैं इसको डाउनलोड किस तरह से करना है। तो डाउनलोड लिंक पे जैसे आप क्लिक करके तो आप पहुंच आपके लिंक वर्टाइज की वेबसाइट पर, वहां पे आपसे कुछ 12 सेकंड तक ऐड देखना है, बस कुछ भी नहीं करना, और उसके बाद आपसे मीडिया फायर का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करूं मैं इसको मैं कितने पॉइंट देता हूँ, तो मैं इसको दूंगा 9 पॉइंट आउट ऑफ 10। कितना अमेजिंग मोड यार, 9 पॉइंट तो बनता है, एंड एक पॉइंट मैंने बताया किस लिए काटा, पूरे में से पूरा दिया नहीं मैंने, इसलिए बस और कुछ नहीं यार। ठीक है, तो आप सभी बताओ ये वाला मोड आपको कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा आप कमेंट करके बता सकते हो, एंड ये वाला वीडियो आप सभी को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो। तो यार मैं लूँगा आप सबको ऐसे ही कमाल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नहीं भाई, ये टाइमर खत्म होता है तब तक मैं पानी में कूदूंगा, देखते पानी में मेरे साथ क्या होता है। ओके, मैं यहाँ से पानी में रहने वाला हूँ, देखते हैं पानी के अंदर मेरे साथ क्या होता है, एक बार ये भी देख लेता हूँ मैं। वन, ओए निचल 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 भाई, पानी के अंदर आप बच जाते हो यार, तो पानी के अंदर आप रहोगे तो बच जाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मैं बोलूँगा आपको वैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is